बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दिस इज़ पार्ट टू ऑफ लेक्चर 18 इन विच वी विल टीच यू रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.3। हमारे पास इसमें क्वेश्चन 11 है। आप लोगों को याद होगा कि हम एक्सरसाइज 5.3 जो है हमने उसमें फैक्टराइजेशन करना था ट्राइनोमियल का। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास एक ट्राइनोमियल ही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फ़र्क ये है कि एक्स या वाई की जगह पर हमें दिया है एक्स प्लस वन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर था। अगर ये मैं इसको छुपा लूँ तो ये देखें, ये किसी एक्स होल स्क्वायर, ये प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 2, तो वही ट्राइनोमियल है, लेकिन सिर्फ x की जगह पर x प्लस 1 लिखा है। तो इसके लिए मैं सपोजिशन करता हूँ, तो उससे आप लोगों को ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। x प्लस 1 को मैंने सपोज किया है, लेट सपोजिशन किया है मैंने उसको u के इक्वल लिया है, तो x प्लस 1 की जगह पर u स्क्वायर प्लस 3 और x प्लस 1 की जगह पर फिर u आ जाएगा, प्लस 2 अपनी जगह पर आ जाएगा। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं, तो ट्राइनोमियल को हम जिस तरह फैक्टराइज करते हैं सिंपल वही मेथड हमने अप्लाई करना है। प्लस 3 को मैंने 1 प्लस 2 के फॉर्म में लिखा है, क्योंकि ऐड करता हूँ तो यही 3 आता है, मल्टीप्लाई करता हूँ तो इस और इसका प्रोडक्ट आता है। तो अब इन दोनों में हमारे पास u कॉमन है, u कॉमन हमने लिया है तो यहाँ पर u प्लस 1 रह जाएगा। इन दोनों में 2 कॉमन है तो प्लस 2 हमने कॉमन लिया है, u प्लस 1 इसमें भी रह जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, u प्लस 1 इन दोनों में कॉमन है, वो हमने कॉमन लिया है तो u प्लस 2 रह जाएगा। अब हमारे पास फैक्टराइज हो गया है, तो इसलिए हम वापस रिपोर्टिंग कर लेते हैं, u की जगह पर उसकी वैल्यू लगा लेते हैं। u हमने x प्लस 1 के इक्वल लिया था तो उसकी वैल्यू लगाते हैं, तो u की जगह पर हमारे पास x प्लस 1 और ये प्लस 1 अपनी जगह पर, इसी तरह यहाँ पर x प्लस 1 और प्लस 2 अपनी जगह पर, इसको ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 और यहाँ से आ जाएगा x प्लस 3, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, 4x पावर 8 y पावर 10 माइनस 40 x पावर 5 y पावर 7 प्लस 84 x स्क्वायर y पावर 4। हमारे पास सॉल्यूशन में क्वेश्चन हम रिपीट करते हैं, पहले हमने देखना है तीनों टर्म्स में जो कॉमन है हमने वो कॉमन लेना है, तो 4x स्क्वायर y पावर 4 इसमें कॉमन है, वो हमने कॉमन लिया है। अंदर हमारे पास आ जाएगा x पावर 6 y पावर 6 -10 x³ x³ y³ + 21। अब इसको ट्राइनोमियल बन गया है, तो ट्राइनोमियल हम जिस तरह फैक्टराइज करते हैं उसी तरह हम इसको फैक्टराइज करेंगे। -10 को मैंने दो नंबर्स के फॉर्म में लिखा है, -3 और -7। इसको अगर मैं ऐड करूं तो -10 आता है, मल्टीप्लाई करूं तो इस ये फर्स्ट टर्म और इस इसके फर्स्ट टर्म के कोफिशेंट और इस लास्ट नंबर के प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट इससे आता है। तो हमारे पास अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x³ y³ दोनों में कॉमन है, वो हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पर x³ y³ -3 रह जाएगा। और दूसरे में हमारे पास -7 कॉमन है, वो हमने लिया है, तो x³ y³ -3 रह जाएगा, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया है तो अंदर साइन चेंज हो गए हैं। अब इसमें हमारे पास देखिए, ये इस टर्म में और इस टर्म में हमारे पास क्या कॉमन है, x³ y³ -3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो वो हमने कॉमन लिया है। 4x² y पावर 4 अपनी जगह पर आ गया है, x³ y³ -3 हमने कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास रह गया है x³ y³ -7, ये इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.3, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विद एरिया गिवन बाय x² + 24x - 81। ये हमारे पास किसी रेक्टेंगल का एरिया का एक्सप्रेशन दिया है, यानी मतलब ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसी रेक्टेंगल का हमने पैरामीटर फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले एरिया को फैक्टराइज कर देते हैं। तो हमारे पास एरिया है x² + 24x + -81, इसको ट्राइनोमियल है तो सिंपल इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 24 की जगह पर मैंने 27 - 3x लिखा है, इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो इससे 24 आता है, मल्टीप्लाई करता हूं तो इस x² का और ये -81 का, इन दोनों का प्रोडक्ट इससे आता है। अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन है x और इन दोनों में कॉमन है -3, तो वो हमने कॉमन लिया है, x कॉमन लिया है, तो यहाँ पर x + 27 आ गया है, यहाँ पर -3 कॉमन लिया है तो x + 27 यहाँ पर भी आ गया। अब इन दोनों में x + 27 कॉमन है, वो हमने कॉमन लिया है x + 27, और रह गया है हमारे पास x - 3 रह गया है। ये हमारे पास एरिया फैक्टराइज हो गया। अब हमें पता है एरिया का कि वो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के,
तो इसका मतलब इसमें ये एक लेंथ है और दूसरा फैक्टर जो है वो विड्थ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने रेक्टेंगल मतलब ये एक्स प्लस 27 चूँकि लेंथ हमारे पास बड़ा होता है तो इसलिए मैंने ये बड़ा वाला एक्सप्रेशन जो है इसको लेंथ का इक्वल लिया है और विड्थ छोटा होता है तो ये छोटा मैंने इस विड्थ को रिप्रेजेंट किया है विड्थ से। अब हमारे पास पैरामीटर इक्वल होता है 2 × लेंथ प्लस विड्थ। ये आप लोगों ने याद रखना है, पैरामीटर का फार्मूला है ये 2 × लेंथ प्लस विड्थ। अब लेंथ की जगह पर लेंथ का एक्सप्रेशन पुट कर देते हैं और विड्थ की जगह पर विड्थ का, तो हमारे पास ये आ जाएगा पैरामीटर इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पर, लेंथ की जगह पर हमने x प्लस 27 लिख लिया है, विड्थ की जगह पर हमने x माइनस 3 लिख लिया है। इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस x 2x आ जाएगा, 27 माइनस 3 जिससे 24 आ जाएगा, 2 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2 जा 4x और 2 24 मल्टीप्लाई करें तो 48 आ जाएगा। ये हमारे पास पैरामीटर आ गया रेक्टेंगल का। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 9 ये मैंने छोड़े थे, ये आप लोग का होमवर्क है, सिंपली आप लोगों ने इसको फैक्टराइज करना है। थैंक यू।